अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब तरह से होंगे। आज इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे स्प्रेडशीट्स इन एक्सेल क्या होते हैं, इनका क्या पर्पस होता है, इनका क्या यूज होता है। थोड़ा सा मैं अगर आपको इंट्रोडक्टिव बताऊं कि अगर आप न्यूमेरिकल टाइप का डाटा मैनेज करना चाहते हैं, अकाउंट से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, या कोई भी ऐसा, या ग्राफ्स वगैरह, ये तमाम चीजें हम लोग इजीली मैनेज कर सकते हैं कि इसमें स्प्रेडशीट में। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर इंशाल्लाह आप लोगों को एमएस एक्सेल के बारे में बहुत सारी चीजें पता चलेंगी जो आपको पहले से नहीं पता होंगी। ये सामने आपके पास कुछ चीजें हैं, वो कह रहे हैं कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू दिस तमाम चीजें। ये सबसे पहले कॉलम्स, रोज, सेल्स और ये मेन चीजें जो है, सम, प्रोडक्ट, एवरेज, पावर, स्क्वायर रूट, मैक्स, मीन, उसके बाद कॉपी, पेस्ट, फॉन्ट साइज, ये तमाम चीजें जो इसकी सेटिंग्स है। उसके बाद हम चार्ट्स के बारे में भी सीखेंगे इंशाल्लाह एक लेक्चर में, कॉलम चार्ट क्या होता है, लाइन चार्ट क्या होता है और पाई चार्ट क्या होता है। ठीक हो गया। सबसे पहले हम लोग यूनिट इंट्रोडक्शन की तरफ जाएंगे। कह रहे हैं कि स्प्रेडशीट इज वन ऑफ द वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन पैकेज इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर्स टू मैनेज डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। आपको पता है कि जब आपका रिजल्ट जब राइट किया जाता है, उसकी एक रो होती है, एक कॉलम होता है। कॉलम क्या होता है, जिसमें आपके मार्क्स होते हैं। रो क्या होती है, जहां पर आपके सब्जेक्ट लिखे होते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है, ये कुछ इस तरह से आपके पास एप्लीकेशन है, ये सामने है जैसे नजर आ रहा है। ठीक हो गया। तो ये आपके पास जैसे 1 है, 2, 3, 4, 5, ये रोज कहलाती हैं, और ये जो ए बी सी डी ई एफ है, ये क्या कहलाते हैं, कॉलम्स कहलाते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है, इन दिस यूनिट स्टूडेंट्स विल लर्न अबाउट द स्प्रेडशीट पैकेज एक्सेल। जो एक्सेल है, एमएस एक्सेल, उसके बारे में इंशाल्लाह आप लोग तमाम चीजें लर्न करेंगे। दे विल लर्न टू मैनिपुलेट डेटा न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक, न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक इंशाल्लाह दोनों आप लोग लर्न करेंगे। उसके बाद इन द सेल्स अवेलेबल इन स्प्रेडशीट, ये जो आपके पास स्प्रेडशीट है, इसमें ये जो सेल्स है कहीं कहीं बने हुए हैं, हम इसमें डेटा कैसे राइट करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, वो इंशाल्लाह लर्न करेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास है बेटा, दिस यूनिट विल एक्सप्लेन how to perform different arithmetic operations on data and convert it into graphical form. तो ये तमाम चीजें इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले एमएस एक्सेल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, वर्कबुक क्या होती है, वर्कशीट क्या होती है, ये तमाम चीजें इंशाल्लाह अभी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपके पास इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या होती है, स्प्रेडशीट आपके पास ये जो सामने नजर आ रही है, हम क्या कहलाएंगे इसे, ये जो आपके पास शीट 2, ये देखे 3, आपके पास 2 आ गई, ये 1 आ गई, ये शीट्स कहलाती है। ठीक हो गया। ये डिफरेंट शीट्स है जिन पे आप काम कर सकते हैं। जैसे आपकी नोटबुक है, उसके ऊपर एक पेज होता है, इसी तरह यहाँ पर भी ये डिफरेंट पेजेस हैं। आप यहाँ से न्यू पेजेस भी ऐड कर सकते हैं, ये देखें, इजिली आप ऐड यहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले देखें, अ स्प्रेडशीट इज अ कंप्यूटर एप्लीकेशन विच इज यूज टू डिस्प्ले डेटा इन मल्टीपल सेल्स, यूजली इन अ 2-dimensional matrix or grid consisting of rows and columns. स्प्रेडशीट क्या होता है कि आपके जो कंप्यूटर सिस्टम का जो डाटा है वो किस तरह मैनेज करता है, वो रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में मैनेज करता है। ईच सेल कंटेन्स न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक डाटा, फॉर्मुलेट, फॉर्मूला और फंक्शन। हर एक सेल में क्या होता है, न्यूमेरिक भी डाटा राइट कर सकते हैं, नॉन न्यूमेरिक भी, या कोई फार्मूला भी। ये देख लें, ये तमाम आपके पास सेल्स है, ये कम्बिनेशन आपको क्या होते हैं, रोज एंड कॉलम, ये तमाम चीजें। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है, स्प्रेडशीट आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड फॉर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू रिकैलकुलेट द एंटायर शीट ऑटोमेटिकली आफ्टर अ चेंज टू अ सिंगल सेल इज मेड। कहां पर इसको ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, फाइनेंशियली अगर आप अकाउंट्स का वर्क करते हैं या इससे रिलेटेड कोई काम है, देन इस चीज को ज्यादा यूज किया जाता है। बिकॉज यहां पर अगर एक चीज आप अपडेट करते हैं तो साथ साथ जो है वो दूसरे बॉक्सेस में वो चीज अपडेट हो जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। ये क्या है, एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। उसके बाद सबसे पहले देखें स्प्रेडशीट क्या होती है। स्प्रेडशीट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज्ड टू एंटर, एनालाइज एंड कैलकुलेट शीट कहलाती है। ये शीट 1 है, 2, 3, ये आपके पास क्या होती है, बेसिकली डाटा को राइट करने के लिए ये तमाम सेल्स जो है वो बने होते हैं, जिसमें हम डाटा इजीली एंटर कर सकते हैं, एनालाइज भी कर सकते हैं, तमाम चीजें हम लोग कर सकते हैं डाटा की। उसके बाद जी, तो इस तरह तमाम डाटा मैनेज किया जाएगा, जिसमें क्या कह रहा है कि डाटा कैन बी इजीली एंटर, मॉडिफाइड एंड डिलीटेड फ्रॉम इट। यहां से डाटा आप लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, और इट परफॉर्म्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड प्रोजेक्शंस बेस्ड ऑन डाटा एंटर्ड। मतलब जो आप डाटा एंटर करते हैं इसमें, उसकी बेस पर आप यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की कैलकुलेशंस जो है वो भी इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। कॉमन स्प्रेडशीट यूजेस इंक्लूड एनालिसिस, चार्टिंग एंड बजटिंग वगैरह।
एनालाइज करना हो कोई चीज, या कोई चार्ट वगैरह बनाना हो, या कोई बजट वगैरह कैलकुलेट करना हो ईयरली मंथली या वीकली, वो आप लोग इजीली यहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास है पर्पज ऑफ स्प्रेडशीट। पर्पज ऑफ स्प्रेडशीट क्या हो गया कि स्प्रेडशीट आर यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड्स फॉर वैरायटी ऑफ पर्पजेस लाइक अकाउंटिंग, बजटिंग, चार्टिंग, ग्राफिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन ईटीसी। आप इससे रिलेटेड कोई भी वर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग स्प्रेडशीट जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टूडेंट्स पहले भी बताया। स्प्रेडशीट इज यूज्ड टू, जी सबसे पहला काम क्या करेगा, स्टोर एंड मेंटेन डेटा इन अ टेबुलर फॉर्म, टेबल्स की फॉर्म में। ये जैसे कि मैंने एप्लीकेशन बताई है, आप देखें ये आपके पास टेबल्स आ गई, ठीक है, ये टेबल्स आपके पास। अब यहाँ पर क्या सिलेक्टेड है, ये देखें आपके पास सबसे पहले मैंने क्या किया, बी और यहाँ पे थ्री, तो ये टेबल बन गया है तमाम। तो यहाँ पर मैं डिफरेंट टाइप का डाटा जो मैनेज करके इजीली मैनेज। अब ये जरा लेफ्ट साइड पे देखें, ये 8 मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर देखिएगा जहां पर बी फोर लिखा हुआ, मैं जितना एरिया सिलेक्ट करता हूँ वो क्या होगा, वो टेबल बन जाएगा। ये देखें 8 रो है और उसमें 6 कॉलम है, इस तरह से ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास है मैनिपुलेट एंड कैलकुलेट डेटा बाय यूजिंग वेरियस फंक्शंस एंड फार्मूलाज। कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, कुछ फार्मूलाज होते हैं जिनके जरिए से आप लोग इनको इजीली मैनेज कर सकते हैं। परफॉर्म कम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, जो कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस होती हैं, लॉन्ग कैलकुलेशंस होती हैं जिनको सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता, आप उनको भी इजीली यूज कर सकते हैं। एंड रीकैलकुलेट फार्मूला ऑटोमेटिकली व्हेनेवर अ वैल्यू इज चेंज्ड और मॉडिफाइड। क्या करते हैं कि जब आप वैल्यू वगैरह चेंज करें तो वो क्या हो कि उसका जो सम है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ठीक हो गया। सबसे उसके बाद आपके पास क्रिएट चार्ट्स, ग्राफ्स टू रिप्रेजेंट डाटा, किसी भी किस्म का आप ईयरली मंथली डाटा रिप्रेजेंट करना चाहते हैं चार्ट्स की मदद से, तो वो आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास चार्ट्स क्या होता है, चार्ट्स का भी इसमें ऑप्शन मौजूद होता है जिसके जरिए से आप लोग किसी भी तरह के डाटा को जो है वो इजिली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो इसमें आपके पास जो है, ये आपके पास जो ऑप्शन है किसका है, डाटा का जो ऑप्शन है यहाँ पर, ये देखें डिफरेंट आपके पास ग्रुप ऑफ सेल्स जो है, ये तमाम चीजें यहाँ पर मौजूद है, ठीक हो गया। सो चार्ट्स का जो ऑप्शन है वो ये रहा, ये देखें सामने ये कॉलम है, लाइन है, पाए, बार, ये डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स हैं, वो आप लोग इजीली यहाँ पर यूज कर सकते हैं। पहले डाटा राइट करें उसके बाद चार्ट अप्लाई करेंगे, वो डाटा उस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। नेक्स्ट आपके पास क्रिएट ग्राफ्स, ये हो गया प्रोसेस एंड डिस्प्ले नीडेड इन्फॉर्मेशन बाय स्टोरिंग एंड फिल्टरिंग एंट्रीज अकॉर्डिंग टू द एस्टेब्लिश्ड क्राइटेरिया। जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस किया जाता है, ठीक हो गया। सबसे पहले यह है कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक्सेल। एक्सेल इज वन ऑफ द पॉपुलर एंड कॉमनली यूज्ड स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। एक्सेल जो है वो मोस्ट कॉमन और पॉपुलर जो सॉफ्टवेयर है वो यूज किया जाता है किसके लिए, बजटिंग के लिए या किसी डेटा को एनालाइज करने के लिए। एंड एक्सेल कैन यूज फ्रॉम होम टू प्रोफेशनल लेवल टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन डेटा क्रिएटिंग, मेलिंग लिस्ट एंड क्रिएटिंग बजट्स। क्या हो सकता है कि किसी भी किस्म का आपने डाटा मैनेज करना है तो जरूरी नहीं है कि आप प्रोफेशनली इसे यूज करें, आप घर बैठे भी इस पर इजीली काम कर सकते हैं और ये बहुत कन्वीनियंट है, बहुत इजीली आप लोग इस पर काम कर सकते हैं। एक्सेल इज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम दैट कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा। जो एक्सेल है वो एक ऐसी शीट है जिसके जरिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं और उसको प्रोसेस भी कर सकते हैं। मैनिपुलेटिंग का मतलब क्या होता है, प्रोसेस करना। ईच एक्सेल स्क्रीन इज इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर टेबल और ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये सामने देख लीजिएगा, ये जो आपके पास शेप नजर आ रही है ये क्या है, रेक्टेंगुलर टाइप की एक शेप है जिस जो हर एक एक्सेल शीट जिस पर मुश्तमिल होती है। नेक्स्ट आपके पास क्या होगा कि ये हो गया, तो द हॉरिजॉन्टल रोज आर आइडेंटिफाइड बाय नंबर्स 1, 2, 3। ये आप लोग देख सकते हैं, ये तमाम ये जो है ये क्या है, रोज कहलाती है, ठीक है, 1, 2, 3 से स्टार्ट होके अप टू 100 तक होती है, ठीक हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या है, जो कॉलम्स होते हैं, द वर्टिकल कॉलम्स विद अल्फाबेट्स ए बी सी और उसके बाद ए और ए बी, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप इसको जैसे जैसे आगे करते रहेंगे, ए बी सी ये कॉलम्स हैं और इसको आप जितना जितना आगे स्प्रेड करेंगे तो क्या होगा, ये आपके पास क्या होंगे, नई जो है वो ये चीजें जो है क्रिएट होती रहेंगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास ये देखें, ये तमाम चीजें, ये ए आ गया, ए बी आ गया, तो इस तरह आप लोग ये इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद ये है कि वर्कबुक क्या होती है, ठीक है। वर्कबुक ये है कि जब आप एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं जो सबसे पहला जो पेज सामने नजर आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं। वर्कबुक क्या होगा, अ वर्कबुक इज अ फाइल क्रिएटेड बाय एक्सेल स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। वर्कबुक एक फाइल है, जैसे कि मैंने इस फाइल को ओपन किया, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है बुक 1,
उसके बाद एमएस एक्सेल, ये बाय डिफॉल्ट नेम है, ठीक है। तो ये जो सारी जो शीट जो वर्कबुक जो ओपन हो गई है, इसमें डिफरेंट पेजेस हैं, पेज वन है, शीट टू, शीट थ्री, ये पेजेस भी कह सकते हैं, शीट भी कह सकते हैं, और न्यू पेजेस भी यहाँ पर क्रिएट किए जा सकते हैं। तो इसे क्या कहा जाएगा? बुक कहा जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास है एक्सेल वर्कबुक कंसिस्ट ऑफ स्प्रेडशीट पेजेस ईच ऑफ विच कैन इंक्लूड सेपरेट डेटा, हर एक पेज पे सेपरेट डेटा राइट किया जा सकते हैं, जैसे आप अपने रजिस्टर्स पर या अपने नोटबुक्स पर राइट करते हैं। एमएस एक्सेल 2007 वर्कबुक इज स्टोर्ड विद एक्सटेंशन डॉट XLSX वन वर्कबुक में कंटेन मेनी वर्कशीट्स, ये देख सकते हैं आप लोग, एक वर्कबुक में बहुत सारी वर्कशीट्स जो है वो मौजूद होती है, ठीक हो गया। उसके बाद वर्कशीट क्या होती है? वर्कशीट जैसे कि एक पेज हो गया हमारे नोटबुक का या किसी भी रजिस्टर का, तो वर्कशीट ऑल्सो नाउन एज स्प्रेडशीट इज अ सिंगल पेज इन वर्कबुक, वर्कबुक में जो सिंगल पेज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? वर्कशीट कहते हैं। इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेल्स ऑन अ सिंगल शीट वेयर यूजर कीप्स एंड मैनिपुलेट्स द डेटा, जहां पर जो यूजर है वो डेटा को रखता है और फिर उसे मैनिपुलेट करता है। एंड वर्कशीट्स इन अ वर्कबुक कैन बी एक्सेस बाय द शीट टैब लोकेटेड एट द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द एक्सेल विंडो, ये देख सकते हैं आप लोग लेफ्ट कॉर्नर से, ये शीट 1 2 ऑलरेडी बार बार बता रहा हूं ताकि आप लोगों को वर्कबुक और शीट्स के कॉन्सेप्ट जो है वो अभी से क्लियर हो जाए। और उसके बाद आपके पास है वर्कबुक कैन बी एक्सेस बाय द शीट टैब लोकेटेड एट द लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द एक्सेल विंडो, बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट्स आर प्रोवाइडेड इन अ वर्कबुक टू एंटर डेटा, 3 जो होती हैं बाय डिफॉल्ट जो है वो वर्कबुक यहां पर मौजूद होती है। मोर वर्कशीट्स कैन बी एडेड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इन अ वर्कबुक, जब भी वर्कबुक में ज्यादा आपके पास रिक्वायर्ड होंगे तो वो क्या करेगा, ज्यादा शीट्स आप यूज कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा वर्कबुक भी ओपन करना चाहे तो वो भी आप लोग इजीली कर सकते हैं। उसके बाद ये कुछ प्रोसेस है, प्रोसेस क्या है कि एक्सेल एप्लीकेशन विंडो इसको स्टार्ट कैसे करते हैं। अगर आपके पास विंडोज 7 है या कोई भी विंडोज है तो आप क्लिक स्टार्ट पे क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम्स, उसमें अपने जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो स्पेसिफिक आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किए हुए हैं उनको ओपन करें। उसके बाद पॉइंट टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑफिस के ही अंदर एक टूल होगा जो कि क्या होगा, ये ऑफिस एमएस ऑफिस एक्सेल 2007, ये जो सामने शीट टैब नजर आ रहा है ये क्या है, बेसिकली इसकी लेआउट है। आप यहाँ से ना देखिए बल्कि आप ये देखें, ये सामने जो क्लियर बिल्कुल नजर आ रहा है, तमाम चीजें जो वहां पर थी वो एज इट इज यहाँ पर शो की जा रही है, ठीक हो गया। तो ये तमाम इसका प्रोसेस था किसका, एमएस एक्सेल की जो विंडो है उसका। उसके बाद सबसे पहले वो बता रहे हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेल विंडो क्या होते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो क्या है, ऑफिस बटन। ऑफिस बटन क्या होता है, द ऑफिस बटन इज एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द एक्सेल विंडो, एक्सेल विंडो की जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो बटन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑफिस बटन कहते हैं। क्लिकिंग दिस बटन ओपन्स अ मेन्यू ऑफ कमांड्स, ये देखिए जरा, ये जो लेफ्ट साइड पे ये जो बटन नजर आ रहे हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑफिस बटन। ये देखें जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, ये डिफरेंट आपके पास जो कमांड्स हैं वो आप लोग रन कर सकते हैं, इनको चूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑफिस बटन यूज करेंगे, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास है रिसेंट डॉक्यूमेंट्स कैन बी सीन ऑन द राइट ऑफ द ऑफिस बटन मेन्यू, जो रिसेंट डॉक्यूमेंट है वो कहां पर होंगे, ये देखें मैंने ऑफिस बटन पे क्लिक किया, ये मेरे जो रिसेंट डॉक्यूमेंट है वो सामने अपेयर हो रहे हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास है फिगर 3.2 शोज ऑफिस बटन मेन्यू विद कमांड, ये देखें आपके पास ब्लर है, इतनी अच्छी इमेज नहीं है, बट आपको मैं जो प्रैक्टिकली जो दिखा रहा हूँ वो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद है क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार क्या होती है कि क्विकली अगर आप डेटा को सेव करना चाहते हैं, अंडो करना चाहते हैं या रीडो करना चाहते हैं उसके लिए आप लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट टू द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन इज द क्विक एक्सेस टूल बार, ये जरा देखिए सबसे पहले आपके पास क्या है, ये ऑफिस बटन है। उसके बाद ये जो आपके पास 3 टैब्स नजर आ रहे हैं ये क्या है, ये क्विक एक्सेस टूल बार है, और यहाँ पर से आप फौरी अगर एक्सेस करना चाहते हैं किसी चीज को, और आप फर्दर और भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जिसको आप चेक करेंगे वो ऑप्शन यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास है गिव एक्सेस टू द फ्रीक्वेंटली यूज कमांड्स, बाय डिफॉल्ट सेव अंडो रीडो अपेयर ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार, ये जरा देख लीजिए आप, ये क्या है, सेव का बटन है, ये क्या है, अंडो है, और उसके बाद क्या है, ये रीडो है, ये तमाम जो है ऑप्शन जो है वो यहाँ पर अपेयर होंगे बाय डिफॉल्ट। नेक्स्ट आपके पास है टाइटल बार क्या होती है, जिस जगह पर उसका वर्कबुक का नेम शो होता है उसे हम लोग टाइटल बार कहते हैं। It is located at the top of Excel window on the title bar. Microsoft Excel displays the
नेम ऑफ द वर्कबुक करंटली यूज. जो हम लोग वर्कबुक करंटली यूज कर रहे होते हैं उसका जो नेम होता है वो कहाँ पर शो होता है, वो टाइटल बार पर शो होता है. जैसे कि यूजर कुड सी बुक वन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एट द राइट साइड ऑफ द क्विक एक्सेस टूल बार ऑफ एक्सेल विंडो. एक्सेल विंडो की जो राइट साइड पे, ये जरा देखिए आप लोग, ये आपके पास जो बुक वन एमएस एक्सेल लिखा हुआ है, ये बेसिकली क्या है, इसका नेम है, जिसे हम लोग टाइटल बार भी कहते हैं. टाइटल बेसिकली किसी भी चीज के नेम को कहा जाता है, ठीक है. और उसके बाद आपके पास ऑन द राइट साइड ऑफ द टाइटल बार आर थ्री कंट्रोल बटन्स, मिनिमाइज, रिस्टोर और मैक्सिमाइज एंड क्लोज टू कंट्रोल द विंडो. ये देख सकते हैं आप लोग, ये सामने आपके पास ये राइट साइड पे तीन बटन आ रहे हैं डिफरेंट. ये क्या है, मिनिमाइज है, ये क्या है, मैक्सिमाइज का, और ये क्लोज बटन है, ठीक हो गया. नेक्स्ट आपके पास है स्टूडेंट्स, इसमें है रिबन. रिबन क्या होता है, रिबन आपके पास जो टाइटल बार से नीचे जो आपके पास जो टोटल आपके पास जिसमें कमांड्स होती हैं, जिसमें आइकन्स बने होते हैं, उसे हम लोग रिबन कहते हैं. रिबन एज शोन इन फिगर 3.3 लोकेटेड बिलो द क्विक एक्सेस टूल बार. ये जैसे क्विक एक्सेस टूल बार हमने पढ़ी है, ये चीज है, ये टाइटल बार है, तो उससे नीचे ये जो सारा एरिया है ये क्या कहलाएगा, ये रिबन कहलाएगा, ठीक हो गया. उसके बाद आपके पास है नेक्स्ट, द कमांड्स ऑन द रिबन आर ऑर्गेनाइज्ड इन 7 टैब्स एंड ईच टैब इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स व्हिच हैव बटन्स ऑफ रिलेटेड कमांड्स. ये देख सकते हैं ये 7 आपके पास 1 2 3 4 5 6 और ये 7 टैब्स हैं. हर एक में डिफरेंट क्या है, यहाँ पर बटन्स जो है वो मौजूद हैं, डिफरेंट आप फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक हो गया. बाय डिफॉल्ट जो है होम टैब जो है वो ऑलरेडी ऑन होता है. नेक्स्ट आपके पास है ईच टैब इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स व्हिच हैव बटन्स ऑफ रिलेटेड कमांड्स, ठीक हो गया. फार्मूला बार क्या होती है, फार्मूला बार जहां पर हम लोग फार्मूला राइट करते हैं. फार्मूला बार डिस्प्लेज द कंटेंट्स ऑफ द एक्टिव सेल एंड द फार्मूला एज यूजर टाइप देम इन ए एक्टिव सेल. किसी भी सेल में जब आप कुछ लिखेंगे तो वो कहाँ पर डिस्प्ले होगा, वो फार्मूला बार में डिस्प्ले होगा. जरा देखिए ये जो आपके पास सामने है, ये क्या है, इसका कॉलम का नेम है, ठीक है, कॉलम और रो का. मैंने यहाँ पर लिखा तो क्या आ गया, D9. ये डी कॉलम है और ये क्या है, 9. मतलब कॉलम डी है और रो क्या है, 9. अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं तो क्या आ गया, J13. मतलब J क्या है, इसका कॉलम, और 13 क्या है, इसकी रो है, ठीक हो गया. और फिर मैं इस कॉलम के अंदर अगर कुछ राइट करता हूं, जैसे मैंने लिखा अली अहमद, और ये क्या हुआ, ये कहाँ पर लिखा गया था, देखिए ये फार्मूला बार है. ये जो जगह आ रही है जहाँ पे FX लिखा हुआ, ये क्या है, एक फार्मूला बार है, और जिसको आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर राइट करेंगे तो वो इसमें डिस्प्ले होगी, ठीक हो गया. नेक्स्ट आपके पास है द फार्मूला बार कैन बी यूज्ड टू एडिट सेल्स कंटेंट इजीली. किसी भी सेल के कंटेंट को इजीली यहाँ पर एडिट किया जा सकता है. द फार्मूला बार आल्सो कंटेन द इंसर्ट फंक्शन बटन यूज्ड टू गाइड द यूजर थ्रू द क्रिएशन ऑफ मैथमेटिकल फार्मूलाज. मैथमेटिकल फार्मूलाज वगैरह यहाँ पर राइट करके उनको क्रिएट भी किया जा सकता है, ठीक हो गया. तो फर्दर इसकी जो डिटेल्स है, इसको कैसे यूज करते हैं, तमाम चीजें इंशाल्लाह मैं आप लोगों को फर्दर लेक्चर्स में बता दूंगा. नेक्स्ट आपके पास है नेम बॉक्स. नेम बॉक्स क्या होता है, नेम बॉक्स डिस्प्लेज द रेफरेंस ऑफ द एक्टिव सेल, इट इज लोकेटेड नेक्स्ट टू द फार्मूला बार एज शोन इन द फिगर. जैसे कि ये चीज है, ये जगह आपके पास जहाँ पे F8 लिखा हुआ है, जहाँ पे ये B12 लिखा हुआ है, ये बेसिकली क्या है आपके पास, ये नेम बॉक्स है, ठीक हो गया. ये जो जिस सेल पर हम क्लिक करेंगे उसका एड्रेस शो करेगा. ये देखें, ये अब क्या शो कर रहा है, 10R मल्टीप्लाई बाय 7C, ये तमाम शो हो रहा है. ये स्टार्ट क्या है, A4 से हो रहा है. यहाँ पर देखें ये चेंज हो रहा है, तो ये क्या होता है, ये बेसिकली नेम बॉक्स कहलाता है, ठीक हो गया. नेक्स्ट आपके पास है इट कैन ऑल्सो बी यूज टू गो टू अ स्पेसिफिक सेल बाय एंट्रिंग द नेम ऑफ द सेल इन इट. इनमें क्या करेंगे, जो आप नेम लिखेंगे वो सामने इसमें डिस्प्ले हो जाएगा. उसके बाद है डॉक्यूमेंट वर्कशीट विंडो. द डॉक्यूमेंट वर्कशीट विंडो कंटेन्स इन एक्सेल वर्कबुक दैट कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ वर्कशीट्स. ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये सारी वर्कबुक कहलाती है, जैसे बुक वन है. और उसके बाद ये डिफरेंट आपके पास जो शीट्स हैं, शीट्स हैं, ये क्या होते हैं, इसके टैब्स होते हैं या पेजेस कह सकते हैं आप लोग, ठीक हो गया. नेक्स्ट आपके पास है वर्कशीट इज अ डॉक्यूमेंट विंडो वेयर यूजर कैन एंटर डेटा एंड मॉडिफाई इट. जहां पर आप लोग डेटा को राइट भी कर सकते हैं और उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं. द वर्कशीट इज मेड अप ऑफ रोज एंड कॉलम्स. इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड अ सेल. जी, इंटरसेक्शन का मतलब ये है कि कॉम्बिनेशन जो होता है रोज एंड कॉलम्स का, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं. द नेम ऑफ द सेल इज मेड अप ऑफ कॉलम नेम एंड द रो नंबर. फॉर एग्जांपल A1 इज द सेल इन कॉलम A एंड रो क्या है, उसकी 1. जैसे कि मैं पहले बताया था कि A1 का मतलब क्या है,
ये जैसे आपके पास सामने अपेयर हो रहा है, सबसे पहले पे आ जाते हैं टैब पर, ए पर, ये है जैसे कि चलो इसकी एग्जांपल लगाते हैं, यहाँ पर क्लिक किया, अब ये क्या है, इसका कॉलम बी बट इसकी रो क्या है, फाइव, ये इसका टोटल स्ट्रक्चर है। ये तमाम आप लोग इजिली इसको लर्न कर सकते हैं। उसके बाद एट द बॉटम ऑफ ईच वर्कशीट इज नंबर्ड शीट टैब, ये शीट टैब्स होता है, ये आपके पास नंबर शीट, शीट 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या होते हैं, शीट टैब्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इट हैज द नेम ऑफ द वर्कशीट ऑन इट, और इसके ऊपर क्या होता है, वर्कशीट का नेम होता है, विच कैन बी चेंज्ड, जिसे चेंज भी किया जा सकता है। चेंज कैसे करेंगे, चेंज करने के लिए आपने यहाँ पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद इसे रीनेम करेंगे, रीनेम करने के बाद आप इसे किसी भी नाम से जो है वो सेव कर सकते हैं। किसके नाम से कर रहा हूँ, ये आपके पास जो है ये शीट का जो नया नेम है वो चेंज हो गया। और भी फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, टैब कलर आप कर सकते हैं अपनी मर्जी से, ये देखें ये रेड कर दिया है। और आपने क्या करना है, और आपने जो भी इसमें से कलर, नो कलर या मोर कलर जो सिलेक्ट करना है वो कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कोड देख सकते हैं, तमाम चीजें आप लोग इजिली यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर, ये तमाम चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। इट हैज द नेम ऑफ द वर्कशीट ऑन इट, वर्कशीट का नेम होता है, विच कैन बी चेंज, शीट टैब कैन बी यूज्ड टू ब्रिंग द वर्कशीट ऑफ टू द फ्रंट, फ्रंट पे वर्कशीट लाने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। ये शीट टैब्स आ गया, ठीक है, ये सामने जरा देखिए, ये देखें ये शीट टैब्स, जिस पर क्लिक करेंगे वो वर्कशीट सामने आ जाए, ये देखें जो आप, ये आपके पास व्हाइट है इसका मतलब ये ओपन है, इस पर क्लिक किया ये ओपन है, ये देखें ये व्हाइट हो गई, ये ओपन है, बट ये बेसिकली हमने इसको रेड किया था अभी थोड़ी देर पहले। ठीक हो गया, और भी आप अगर आप चेंज करना चाहते हैं, ये देखिए ये टैब कलर है, आपको जो भी कलर यहाँ पे चूज करना है, मैंने डार्क ब्लू करना है तो मैं यहाँ पर क्या किया, ये डार्क ब्लू हो गया, ठीक है। और कोई करना है आपने येलो करना है तो आप यहाँ से येलो भी कर सकते हैं, ये देखिए आप क्लियरली देख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पर, ये तमाम चीजें शीट टैब्स हो गया। उसके बाद शीट टैब्स एज शोन इन द फिगर आर यूज्ड टू एक्सेस डिफरेंट वर्कशीट्स इन अ वर्कबुक, डिफरेंट आप वर्कशीट्स को एक्सेस करना चाहते हैं देन इसे यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट 3 शीट टैब्स आर अवेलेबल, पहले भी बता चुका हूँ, यूजर कैन एड मोर टैब्स एज रिक्वायर्ड बाय यूजिंग माउस राइट क्लिक मेन्यू एंड सिलेक्टिंग, आप मोर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ये देखें ये कितने ऐड करना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, आप जितने मर्जी वर्कशीट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये देखें कितने चाहिए आपको, जितने आपकी यूज है आप उतने कर सकते हो, और फिर इनको मैनेज करना है आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, ये देखें ये 8 आ गई, 7 आ गई, ये देखें चेंज हो रही है। ठीक हो गया, ओवरऑल शुरू पे जाना चाहते हैं तो ये आ गया, ओवरऑल लॉस्ट पे जाना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, तो इन एरोस की मदद से भी मैनेज किया जा सकता है। नेक्स्ट आई थिंक ये तमाम चीजें आपको क्लियर, यूजर कैन ऑल्सो चेंज द टैब्स नेम टू इजिली मॉडिफाई द डेटा एंटर्ड इन द शीट, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो उसके बाद आपके पास बेसिक एलिमेंट्स ऑफ जो वर्कशीट है वो क्या होते हैं, उसके बाद ये छोटी सी चीजें जो है ये पढ़ लेते हैं। इंट्रोडक्शन इंशाल्लाह आज कंप्लीट कर लेंगे। कॉलम्स इन अ वर्कशीट आर अरेंज्ड वर्टिकली, कॉलम्स जो होते हैं वो वर्टिकली अरेंज किए जाते हैं, ये तमाम क्या हैं, कॉलम्स कहलाते हैं। नेक्स्ट आपके पास अगर हम बात करें, दे आर आइडेंटिफाइड बाय द अल्फाबेट्स इन द कॉलम फ्रॉम ए टू जी, ए, ये तमाम क्या होते हैं, कॉलम्स। रो क्या होते हैं, रोज आर अरेंज्ड हॉरिजॉन्टली इन अ वर्कशीट, दे आर आइडेंटिफाइड बाय नंबर्स इन द रोज हेडर एज शोन इन द फिगर, ये देखें ये जो आपके पास जो है रोज के फॉर्म में जो होता है वो क्या मैनेज किया जाता है, वो रोज जो है वो किस तरह नंबर्स के फॉर्म में मैनेज किए जाते हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट आपके पास सेल है, सेल क्या होता है, द इंटरसेक्शन, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम जो होता है वो बेसिकली क्या कहलाता है, सेल। द इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड सेल, सेल इज द बेसिक यूनिट इन द वर्कशीट वेयर यूजर कैन एंटर डेटा, फंक्शन और फार्मूला। द एक्टिव सेल इज द सेल व्हिच इज करंटली सिलेक्टेड, ये एक्टिव सेल है, ये इसका ये एक्टिव सेल है, इसका ये एक्टिव सेल, जहां जहां मैं क्लिक कर रहा हूँ ये तमाम क्या है, इसके एक्टिव सेल्स कहलाते हैं। ठीक हो गया, उसके बाद आपके पास है इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय द ब्लैक बॉर्डर अराउंड इट, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का ब्लैक बॉर्डर जो है वो सामने बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है बेटा, और बाय इट सेल एड्रेस इन द नेम बॉक्स, ये देख ले ये आपके पास क्या हुआ, ये सेल एड्रेस जो है सामने अपेयर हो गया। ठीक हो गया, नेक्स्ट आपके पास है जी सेल एड्रेस और सेल रेफरेंस क्या होता है, सेल एड्रेस और सेल रेफरेंस आइडेंटिफाई द लोकेशन ऑफ द सेल और ग्रुप ऑफ सेल्स इन अ वर्कशीट, इट कंसिस्ट ऑफ द जी कॉलम लेटर एंड रो दैट इंटरसेक्ट एट द सेल्स लोकेशन, जिस सेल लोकेशन पे आप क्लिक करेंगे, ये देखिए ये H है, यहाँ पर 11 है, तो ये H11 क्या आ गया, इसका सेल एड्रेस और रेफरेंस आ गया। ठीक हो गया, नेक्स्ट आपके पास है सेल रेफरेंस आर यूज्ड इन फार्मूला फंक्शंस चार्ट्स एंड अदर एक्सेल कमांड्स, डिफरेंट फॉर्म्स के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकते हैं। सेल रेंज क्या होती है, सिलेक्टिंग मोर देन वन सेल्स इज नाउन एज द सेल रेंज,
सेल रेंज ये होगी कि आपके पास ये देखिए आपके पास ये एक्सेल की शीट ओपन की है, ये सेल रेंज है, मैं सेल रेंज है यहाँ से मैं ये सेल रेंज कहलाती है, ठीक हो गया। तो ये क्या होगी जिसमें एक से ज्यादा टैब्स को सिलेक्ट किया जाए तो वो सेल रेंज कहलाती है। नेक्स्ट आपके पास टू सेल रेफरेंसेस आर यूज्ड फॉर अ रेंज ऑफ सेल सेपरेटेड बाय ए कॉलम, इनको हम कॉलम्स के जरिए भी सेपरेट कर सकते हैं, विच सेल्स एक्सेल टू इंक्लूड एल ऑल द सेल्स बिटवीन द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट, जैसे C4 टू C7 अगर आप करना चाहते हैं, ये जरा देखिए ये आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ, ये इसने सिलेक्ट किया, ये तमाम क्या कहलाएगा इसका सेल रेंज कहलाएगा। अगर मैं वैसे भी लिखता हूँ यहाँ पर, मैं लिखता हूँ E2 से लेकर, ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ E2 से लेकर, और फिर उसके बाद यहाँ पर लेता हूँ कॉलन, और फिर मैं लिखता हूँ कि F2, एंटर प्रेस करें, ये आपके पास क्या कहलाता है, ये इस तरह सेल्स का रेफरेंस कहलाता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास है, ये तमाम चीजें इंशाल्लाह आपकी कवर हो गई हैं, जो बेसिक थी वो मैं आपको बता चुका हूँ, उसके बाद हम लोग डेटा मैनिपुलेशन और ये तमाम चीजें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।